हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का एक और टॉपिक देख रहे हैं, विस्कोसिटी। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं विस्कोसिटी क्या है। विस्कस फोर्स, द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ लिक्विड और गैसेस इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स वो फोर्स है जो लिक्विड के अलग प्रकार के जो लेयर्स होते हैं उसके बीच में जो मोशन को अपोज करता है, रोकता है, उसी को विस्कस फोर्स बोलते हैं। और उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। मतलब कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड का प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स। मतलब उसी के जो अलग अलग लेयर है उसके मोशन को अपोज करता है वो फोर्स, उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। और ये टोटल प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ। मतलब कि विस्कोसिटी किसका प्रॉपर्टी है, लिक्विड और गैसेस का है, मतलब कि सॉलिड का नहीं है। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। मतलब कि विस्कोसिटी किस फोर्स के कारण होता है, कोहेसिव फोर्स बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इट्स गैसेस फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर। विस्कोसिटी जो गैस में कैसे उत्पन्न होता है, डिफ्यूजन के कारण, जो मॉलिक्यूल्स होता है एक लेयर से दूसरे लेयर में डिफ्यूज कर जाता है, उसके कारण विस्कोसिटी गैस में उत्पन्न होता है। उसके बाद है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज मच लेस देन दैट ऑफ लिक्विड्स। मतलब विस्कोसिटी जो होता है लिक्विड से गैस में कम होता है। देयर इज नो विस्कोसिटी इन सॉलिड, मतलब कि सॉलिड में कोई विस्कोसिटी नहीं होता है। विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज जीरो, मतलब कि जो आदर्श, मतलब कि जो तरल पदार्थ होते हैं उसका विस्कोसिटी जीरो होता है। विथ राइज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, मतलब कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज कीजिएगा वैसे ही विस्कोसिटी क्या होता है आपका, डिक्रीज करने जाता है, किसका, लिक्विड का। एंड गैसेस इंक्रीजेस, मतलब गैस का उल्टा है कि टेम्परेचर राइज होगा तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगा, लेकिन लिक्विड में टेम्परेचर अगर राइज होता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। अब आगे देख लेते हैं, विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज मेजर्ड बाय इट्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब एक यह चीज़ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के माध्यम से ही फ्लूइड में विस्कोसिटी मेजर किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट होता है डेकापोइस, जिसको हम लोग किलोग्राम पर मीटर सेकंड भी कहते हैं, या पास्कल सेकंड भी कहते हैं। इट इज जनरली डिनोटेड बाय, इसको बोलते हैं, ये एफिशिएंसी का होता है, या ईटा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। व्हेन अ बॉडी फॉल्स इन अ विस्कस मीडियम, मतलब कि जब कोई बॉडी विस्कस मीडियम में फॉल करता है, इट्स वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस, इसका वेलोसिटी पहले इंक्रीज करता है, एंड फाइनली बिकम्स कॉन्स्टेंट, और फिर क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता, एक हो जाता है। द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को ही टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इन दिस सिचुएशन द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ विस्कस फोर्सेस। मतलब इस समय क्या होता है कि जो बॉडी का वेट होता है वो किसके बराबर हो जाता है, सम ऑफ विस्कस फोर्स एंड द फोर्स ऑफ बॉयंसी, जो अब थ्रस्ट वाला फोर्स है और विस्कस फोर्स है दोनों के सम का बराबर हो जाता है। दैट इज, मतलब इस तरह से क्या होता है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इस तरह से जो टोटल फोर्स जो लगता है बॉडी पे वो आपका जीरो हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग इन अ विस्कस मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मतलब कि रेडियस के स्क्वायर का मतलब प्रोपोर्शनल होता है कौन सा, टर्मिनल वेलोसिटी, किसका, स्फेरिकल बॉडी का जो कि फॉल कर रहा है किसमें, विस्कस मीडियम में। अब देख लेते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। इफ अ फ्लूइड इज फ्लोइंग इन सच अ वे दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्लूइड्स पार्टिकल्स रीचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम एट ऑल टाइम। मतलब कि जितना भी वेलोसिटी जो फ्लूइड का हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हर जगह पे सेम है, देन द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन। इस तरह का फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। उसके बाद क्या है, थर्ड, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ईच पार्टिकल फ्लोज द सेम पाथ एज फॉलोड बाय द प्रीवियस पार्टिकल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। मतलब कि बस समझ लीजिए इस पाथ पे जा रहा है तो सब जो मॉलिक्यूल है एक साथ ऐसे ही करके पीछे पीछे जा रहा है, मतलब कि एक पाथ पे जा रहा है, जो आगे जाएगा उसी के पीछे पीछे बाकी का मॉलिक्यूल जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या बोलते हैं, द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच द फ्लूइड मोशन इज स्ट्रीमलाइन। ऐसा मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक आपका फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन है इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियरली
इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज बिलो द क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब कि अगर कोई वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे है तो उस फ्लो को स्ट्रीमलाइन बोलेंगे, एंड द वेलोसिटी इज अबव द क्रिटिकल वेलोसिटी, जो क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर है उसको टर्बुलेंट बोलेंगे। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब वही बोल रहा है कि अगर किसी फ्लो का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन बेसिकली ऑन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, अगर कम है तो उसका रेट जो है फ्लो का किस पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे। इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज मोर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी जो है आपके फ्लो का क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक है, द रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लो, अब क्या है, अब जो रेट होगा फ्लो का वो डिपेंड करेगा फ्लूइड के डेंसिटी पर एंड नॉट ऑन द विस्कोसिटी, मतलब समझ रहे, क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर ऊपर हो गया तो डेंसिटी भी डिपेंड करेगा, लेकिन अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे है तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा, एकदम साफ है, क्लियर है। उसके बाद देख लेते हैं, ड्यू टू दिस रीजन एन इरप्शन ऑफ द वोल्केनो, मतलब इसी कारण से जब वोल्केनो जो फटता है तो लावा कमिंग आउट ऑफ इट्स फ्लोज वेरी स्विफ्टली ऑल्दो इट इज वेरी डेंस हैविंग लार्ज वेलोसिटी विस्कोसिटी, मतलब कि क्या होता है, जो लावा उसका निकलता है वो बहुत भारी होता है लेकिन फिर भी बहुत ही आराम से फ्लो करते जाता है। अब देख लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, मतलब कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता है और विस्कस फ्लूइड नहीं होना चाहिए, मतलब कि आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, थ्रू अ ट्यूब टोटल एनर्जी कौन कौन सा, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, मतलब कि ये टोटल जो है सेम है सारे पॉइंट पर। दिस थ्योरम इज सिंपली द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी थ्योरम को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एक डिवाइस है वेंचुरी मीटर जिसको बोलते हैं, इसका काम क्या है, इट मेजर्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। चलिए तो बस यहीं तक छोड़ते हैं, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।